Assalamu alaikum. What are pronouns and what is indefinite pronoun? Let's have a discussion about indefinite pronoun. A pronoun that does not reference to any person, amount, or thing in a particular statement, it is called indefinite pronoun. Here I have written in front of you few words which are the symbol of indefinite pronouns. जो कि वर्ड ऐसे हैं कि जो इनडेफिनेट प्रोनाउंस में हम लोग यूज करते हैं, नो वन, सम वन, एवरी वन, एनी वन, एनीथिंग, समथिंग, समबडी, एनीबडी, नोबडी, ये वो वर्ड्स हैं जो हम इनडेफिनेट प्रोनाउंस में यूज करते हैं। फिर इसके बाद हम इनके रूल्स को देखते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि इनडेफिनेट प्रोनाउन है और हमने उस इनडेफिनेट डेफिनेट प्रोनाउन में सिंगुलर यूज करता है या प्लुरल यूज करता है। तो रूल नंबर वन ये है दैट एंड इन वन आर ऑलवेज सिंगुलर, मींस कि जब भी स्टेटमेंट में वन आएगा उसको हम सिंगुलर के फॉर्म में लिखेंगे। वन मींस समवन, नो वन, एवरीवन, सो ऑन, डिफरेंट सेंटेंसेस। फिर हम रूल नंबर टू देखते हैं दैट एंड इन बॉडी आर ऑलवेज सिंगुलर, बॉडी मींस नोबडी, एनीबडी, somebody. These are the statements, or you can say these are the rules while using indefinite pronouns. जिससे हमें ये पता चल सकता है कि हमारे पास indefinite pronouns कौन से हैं। I repeat, जब one end पे आएगा, जब body end पे आएगा, तब हम single use करेंगे। For example, no one है, someone है, anybody है, somebody है। फिर हम इसकी examples को देखते हैं। Example number one, somebody ate my sandwich. Somebody, definitely a singular statement. Second example देखते हैं, everyone says she is beautiful. फिर everyone है, तो singular statement हमारे use हुए। Third example हम देखते हैं, no one wants to hear about my health. यहाँ पे no one है, तो फिर हम इसको उसी तरह use कर रहे हैं जैसे कि singular है।